नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा चेस बेस 13 कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बोर्ड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ रैंडम मूव्स डाल लेते हैं। मैंने यहाँ से पहले से ही डाल के रखे हैं। यहाँ पर आप इसका नाम देख सकते हैं, गायको पियानो मेन लाइन। ठीक है, अगर आपको इस पोजीशन में मेगा डेटाबेस में से गेम्स देखने हैं लेजेंड्स के, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले मेगा डेटाबेस में जाएंगे। यहाँ पर फिल्टर लिस्ट का ऑप्शन है, इसमें जाना है। यहाँ पे पोजीशन और कॉपी बोर्ड, मतलब जो बोर्ड हमने मिनिमाइज किया था वही पोजीशन यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। और यहाँ पर गेम डेटा में आप कोई वाइट प्लेयर का नाम डाल सकते हैं या ब्लैक प्लेयर का, या रिजल्ट डाल सकते हैं 1-0, 0-1 ड्रॉ, मतलब हम ब्लैक विन के गेम्स देखेंगे। ठीक है, और एनोटेशन मतलब जिसने ये एनालिसिस किया है उस गेम पर, अगर उसका नाम डाल के आप सर्च करोगे तो वो भी आएगा। ठीक है, तो हम सर्च करेंगे। तो हमें करीब करीब 900 गेम मिल चुके हैं, 99% 100। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ ब्लैक विन के गेम्स चूज़ किए हैं, तो इसमें से हम वाइट इलो पे क्लिक करते हैं। इससे वाइट का टॉप रेटेड प्लेयर ऊपर आएगा। इसमें वाइट में एडम्स जो है वो सबसे ज़्यादा रेटिंग है शायद, मतलब उस गेम के करंट हिसाब से। और ठीक है, ये गेम हम देख लेंगे, एडम्स वर्सेस आनंद। ठीक है, तो जो हमने पोजीशन मिनिमाइज की थी वही पोजीशन पर हमने गेम सर्च किया है। ठीक है, तो देखते हैं गेम। वाह, ठीक है, तो हम नेक्स्ट गेम देखेंगे, लोड नेक्स्ट गेम। शिरोव ब्लैक है, शिरोव ने ये गेम जीता है। तो ऐसे हम सभी गेम्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे और ये VCS जो गेम्स हैं, ये मतलब एनालिसिस किए हुए गेम, मतलब इसमें एनोटेशन होते हैं। एटलास वी ने ये गेम एनालिस्ट किया है, उसने जो ये सोचा है इस गेम में उसने वहाँ पर लिख दिया है। जैसे ये कार्पो वर्सेस आनंद ये गेम हो चुका है और वो गेम ड्रॉ हो गया था इस ओपनिंग में। ठीक है, यहाँ पर ऐसे सब एनोटेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे आप सभी गेम चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।